लीवर के मरीज इस बच्चे को देख लें, इनका वेट जो था 90 किलो था और आज ये 77 के पास आया। इनका ALT जो था वो 237 था, ट्राइग्लिसराइड 348 थे जो कि बहुत ज़्यादा थे और चीज़ें इसकी ख़राब थी। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब है जो चर्बी खून में होती है। आज ये बंदा मेरे पास आया है, इनके ट्राइग्लिसराइड 258 हैं, ALT देखें 237 से 21 पे आ गया, ये 28 पे आ गया, ठीक है। तो इस रेंज में भी अगर LFTs हों तो वो नॉर्मल हो जाते हैं फैटी लिवर के मरीज़ के। अब ये मच इम्प्रूव है, जिगर में थोड़ी सख्ती आई हुई है, वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, लेकिन ही इज़ ऑल वेल एंड फाइन ऑल दीज मेडिसन एंड एवरीथिंग, ही इज़ गुड। कैसे वज़न कम किया इतना? मैंने डाइट की है इसके ऊपर, आपकी जैसे इंस्ट्रक्शंस थी, आपकी जो मेडिसन्स थी वो प्रॉपरली ली हैं, आपकी टोटल इंस्ट्रक्शंस को किसी में भी चीटिंग नहीं की। उसके अलावा जो मतलब एक्सरसाइज काफ़ी की है, जिस तरह आपने कहा था कि वज़न कम कर लेंगे तो जो है ना ये सेट हो जाएगी, तो उसी हिसाब से जो है ना मैंने वो किया है सारा कुछ। बाकी तुम्हारी थोड़ी सी सख्ती आई हुई है, उस चीज़ को हम देख लेंगे, बाकी तुम्हारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह खैर करेगा। फैटी लिवर के मरीज़, वेरी क्लियर, आप अपनी ज़िंदगी को बदलें, लाइफस्टाइल को बदलें, चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये ऐसे ही रहता ना, इसकी जिगर में हल्की सी सख्ती आ रही थी, नैश हो रहा था इसको, नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस, और वो फिर फाइब्रोसिस की तरफ करके फिर आगे वो सिरोसिस की तरफ जा सकता था, लेकिन इसने वक्ती ही चीज़ों को पीछे खींच लिया और ये अब इंशाल्लाह ताला और बेहतर हो जाएगा। तो ज़िंदगी में याद रखें, अपनी डाइट को टोटल कर दें टेलर, क्या पराठे छोड़ दें, घी छोड़ दें, तेल का गलत इस्तेमाल छोड़ दें, समोसे पकौड़े छोड़ दें, दही बल्ले छोड़ दें, चीनी का इस्तेमाल तर्क कर दें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को तर्क कर दें, मलाई वाला दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये सब चीज़ें करेंगे, और इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स लें जिनके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, तो आप क्यों नहीं बेहतर होंगे। तुमने क्या किया डाइट में, कितनी चेंजेस लेके आए? डाइट में मैं काफ़ी चेंजेस लेके आया, मैंने फास्ट फूड टोटल छोड़ दी, उसके अलावा जो ऑयल्स हैं वो मैंने बिल्कुल, मतलब कि जो फैटी ऑयल्स हैं, जिस तरह से ये घी वगैरह हो गया, ये मैं बिल्कुल नहीं लेता था, तली हुई चीज़ें कुछ भी नहीं, मेरा सालन भी अलग बनता था, और वो ऑलिव ऑयल में या फिर जो है ना वो पानी के अंदर। ये देखिए जादू है भाई, ये आपको शुरू में जो इसकी दोबारा वीडियो करके शुरू में देखें कैसे ठीक हुआ है, कैसे इसके टेस्ट वापस हुए हैं, कैसे इसकी चीज़ें ठीक हुई हैं, जादू हुआ है इसके साथ, ये आप कर सकते हैं, लुक एट इट, मैं सबूत दिखा रहा हूँ, टेस्ट दिखा रहा हूँ, पीछे क्या बच जाता है, ठीक है। तो जो इतना फैटी लिवर को गुबाड़ बना लेते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, देखें आपके सामने बैठा है 90 किलो का था, 77 किलो का होके आया बैठा है, कुछ नहीं बच जाता ना भाई पीछे। आप इस वीडियो को देखें, देखें कि किस तरह इवन इतने ज़्यादा हुए हुए भी LFTs ALT ठीक हो जाता है। यूजुअली जो रेंज होती है ALT की वो तकरीबन 50 से 100 मैक्सिमम 150 तक होता है, इसके 237 से वापस आए हैं। तो चीज़ें इस तरह आप करें तो आप क्यों अपनी लाइफ सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह आप ठीक हो जाते हैं, तो ये बंदा सबूत है, बिल्कुल क्लियरली आपके सामने है, पीछे क्या बच जाता है। तो आप अपनी ज़िंदगी को ठीक करें, अपने लाइफस्टाइल को, जैसे ये बता रहा था, वर्जिश भी की, चीज़ें भी की। एक्सरसाइज मैंने दिन में 20 किलोमीटर जो है मैं एक्सरसाइज करता हूँ, 20 किलोमीटर करते जी, तो इसने देखो ना कैसे अपने आप को ठीक किया। ऐसे इसका सारा मतलब ज़्यादा क्रेडिट मेरी डाइट का जो है, ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये MBBS दिखा सकते हैं, दिखा दिखा दें, MBBS फोर्थ ईयर में हो, कौन से मेडिकल कॉलेज में? निश्तर में पढ़ती हूँ। ये लोग क्या किया भाई की डाइट कैसे चेंज किया? सारा मतलब इनका मैं सैलन बनाती थी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में या फिर पानी में बॉईल करके ना, और इनको वेजीज वगैरह पे ज़्यादा डाला, और मतलब सारी एनिमल वेस्ट फैट को बिल्कुल कट ऑफ किया। सही है। और मतलब सिर्फ फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे, सैलड पे। तो देखो ये कितना बेहतर हो गया जी। तो आप तो खुद अब फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हो, अभी डॉक्टर बनने जा रही हो, चीजें कर रही हो, बन गई हो बल्कि तकरीबन जी। तो देखो इसने कैसे अपनी लाइफ को ठीक कर लिया ना। हाँ जी, तो जिंदगी इसकी बेहतर हो गई जी। मैं इनकी वजह से काफी डिप्रेशन में चली गई थी। सही। मतलब मुझे काफी टेंशन हो गई थी, F3 लेवल की इनकी फाइब्रोसिस आई थी ना जब। ये भी इंशाल्लाह वापस हो जाएगी, मैं फैटी लिवर के मरीजों को बता रहा हूँ, F2 F3 तक फाइब्रोसिस भी वापस हो जाती है इनके केसेस में, F2 तक तो आराम से हो जाती है जी। तो इसके केस में अल्लाह करम करेगा जी, चीजें जब फैट जाएगी, चीजें होंगी तो और करम हो जाएगा जी। तो ये तो ऐसी बीमारी है जो बंदे के अपने कंट्रोल में है, तो हम कितना अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। खुश हो जी।
खुश हो जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स टू यू, थैंक्स नॉट टू मी, थैंक्स टू यू कि जिसने इसको कंप्लाई कराया, वरना मेरे पास लोग आते हैं वो नहीं करते, वो फिर खाते रहते हैं। बाज नहीं आना ना, सिगरेट चढ़ाई जानी है, चाय चढ़ाई जानी है, बोतल चढ़ाई जानी है, समोसे चढ़ाई जाने, दही बल्ले खाए जाने, गोलगप्पे खाए जाने, बाज नहीं आते। ठीक है, तो इसकी आपने इसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और इन चीजों पर डाला, तो देखें कैसे इस बंदे की लाइफ जो है वो टोटली रिवॉल्ट हो गई। थोड़ी सी चेंजेस ले आए भाई अपनी जिंदगी में, थोड़ी सी, ये कोई पीआर नहीं है जिस मर्जी कंपनी का ले, लेकिन ये है कि कैसे इस बंदे ने अपनी लाइफ रिवॉल्ट कर ली। आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एवरी फैटी लिवर पेशेंट कैन डू इट। इसको एफ सख्ती आई हुई है F2 F3 तक, लेकिन ये वापस कर लेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और ये वापस आ जाएगी जब चर्बी निकलेगी। ठीक है, ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो जिसमें रिवर्सिबल यहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ को ऐसे इसको रोल मॉडल बना सकते हैं, फरहान लतीफ़ को। ये खुद स्टूडेंट है, कोट अद्दू से इसका ताल्लुक है। कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो? मैं BZU में मैंने MPhil किया है, मैं BS में भी और MPhil में भी अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। गोल्ड मेडल BS किस में? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जी। चले, तो देखें आपके सामने है दोनों बहन भाई, बहन को खिलाओ उल्टा, जो नहीं खाते उसको खिलाया करो। ठीक है, तो लेकिन जो है अपनी लाइफ को इस तरह रखोगे तो ऑल विल बी। तो तमाम फैटी लिवर के मरीजों को समझ आ गई, समझ लग गई हूँ। ठीक है, डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।